यदि आपके यहाँ पर भी रेगुलेटर को चालू करने पर इस तरह से गैस लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है तो इसे किस तरह से सही किया जा सकता है समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही रेगुलेटर को चालू किया जा रहा है, यहाँ पर गैस लीकेजिंग हो रही है। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें रेगुलेटर को चेक करना होगा, इसका पाइप तो कहीं से कटा हुआ नहीं है। फिर आप रेगुलेटर को देख लीजिए, यह एकदम फ्री है। उस कंडीशन में यहाँ पर अंदर की तरफ एक वाशर दिया जाता है, आपको इसको वाशर को चेक करना होगा। यदि वाशर कटा पीटा होगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर लीकेजिंग की समस्या आ सकती है, तो आप इस वाशर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप गैस टंकी स्टोर पर जाइए, वहाँ से ये वाशर आपको फ्री में मिल जाएगा और इस वाशर को इस तरह से किसी भी नुकीली चीज़ से फिट कर दीजिए। अब हम रेगुलेटर को फिट कर देते हैं वाशर को चेंज करने के बाद। देखिए, जो लीकेजिंग की समस्या थी वह सही हो चुकी है। तो इस तरह से यदि गैस लीकेजिंग की समस्या आती है तो आप रिपेयरिंग कर सकते हैं।